हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा पे, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ड को। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा हमारे यहां पे डिजिटल बीपी अपैरेटस का मेगा कंपैरिजन हुआ है, साथ में एंड्रॉइड बीपी अपैरेटस को हम कैसे यूज करते हैं वो मैंने बताया है। लेकिन एक जो मर्करी वाला बीपी अपैरेटस है इसका वीडियो तो रह ही गया था। तो दोस्तों, आपकी स्पेशल डिमांड के ऊपर में आज मेडिकल अड्डा पे हम ले आए हैं ये मर्करी वाला बीपी अपैरेटस मशीन, और इसका क्विक रिव्यू हम देखेंगे और कैसे इस बीपी अपैरेटस की मदद से हमें एक्यूरेटली स्टेप बाय स्टेप बीपी को चेक करना होता है। इसका कंप्लीट डेमो मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ये इसका बीपी कफ होता है। बीपी कफ इस प्रकार से जो दो पाइप्स होती है, एक दोस्तों ये एयर इनलेट की पाइप होती है और दूसरा ये एयर आउटलेट की पाइप होती है, जो कि आगे जाके इस ट्यूबिंग की सहायता से ये मर्करी टैंक में जाती है। दोस्तों, मर्करी टैंक के पास में आप अगर गौर से देखोगे तो एक बटन लगा हुआ है। ये बटन दोस्तों मर्करी को बाहर निकलने से रोकने के लिए लॉक वाला सिस्टम होता है। तो जब भी आपको मशीन को ऑन करना है, बीपी लेना है, तो इस बटन को इस प्रकार से आपको ऑन कर देना है, और आपका जब भी बीपी अपैरेटस को वापस से पैक करके रखना है और आपका काम हो गया है तो इसको इस प्रकार से मर्करी टैंक को आपको लॉक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में ये जो लाइन है जिसमें 290 तक की रीडिंग है, इस रीडिंग को हम स्केल कहते हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर में जब हम इस ट्यूबिंग से एयर पुश करेंगे तो मर्करी का एयर का प्रेशर, उसकी वजह से मर्करी ऊपर की तरफ जाएगी और हमें हमारी रीडिंग देगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपने जान लिया है मोटा मोटा अपैरेटस के मेन पार्ट्स के बारे में। अब हम लाइव आपको बीपी चेक करके बताएंगे किस प्रकार से आपको बीपी चेक करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री आप पूछ लेंगे कि उन्होंने खाना 30 मिनट्स के पहले ही खाया हो, अभी अभी खाना ना खाया हो, या कहीं पे 2-4 किलोमीटर चल के आए हो, या एक्सेसिव एक्सरसाइज करके वो आए हैं, तो उनको पहले रिलैक्स करने के लिए आपको बोलना होगा। उसके बाद में ही आपको बीपी चेक करने के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो गौर से देखिए, ये जो बीपी कफ है, इस कफ में दो ट्यूबिंग्स लगी हुई है। एक ट्यूबिंग से हम इस इन्फ्लेटिंग बैग से हम एयर को पुश करेंगे और इन ट्यूबिंग में जाके ये हमारी आर्टरी को जाके इस प्रेशर से, जो वो हमने एयर अंदर इंजेक्ट करी है, उस एयर से हमारी आर्टरी पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो एक टाइम के लिए रुक जाएगा। और जैसे ही जो ब्लड फ्लो रिलीज होगा, वहाँ पे हमें एक साउंड सुनाई देगी, वो वाली साउंड हमारी कहलाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि SBP। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है मनोज जी, आपने कुछ खाना वगैरह अभी तो नहीं खाया है ना? नहीं नहीं खाया। और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज वगैरह भी आपने अभी रिसेंटली नहीं करी है, 5-10 मिनट? नहीं। ओके, इसके बाद में आपको पेशेंट को आराम से रिलैक्स से रख देना है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि टू फिंगर्स यूज करके आपको कफ के अंदर में चेक डाल के चेक कर लेनी है। अगर आपकी इजी से ये टू फिंगर्स कफ के अंदर में चली जाती है, इसका मतलब ये अच्छे से टाइटली फिक्स हैं। अगर ये लूज है तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, टाइटली है तो भी आपकी रीडिंग गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात है दोस्तों, आपको हमेशा पेशेंट के कार्डियक लेवल पे ही बीपी अपैरेटस को रखना है। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज रीडिंग में फिर से मिस्टेक आएगी। अब यहाँ पे मर्करी वाले बीपी अपैरेटस से बीपी लेने के लिए तीन तरीके होते हैं, जिसमें आप ऑसिलेटरी मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर पाल्पेटरी मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑस्कल्टेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑस्कल्टेशन मेथड। इस मेथड के लिए, ऑस्कल्टेट करने के लिए हमारे पास में है दोस्तों डॉक्टर्स की शान स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप्स के पार्ट भी है और इसकी एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी मैंने पहले से चैनल पे बना रखा है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी होती है, आपको जब भी बीपी चेक करना, उससे पहले आपको डायफ्राम को इस प्रकार से टैप करके चेक कर लेना है। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार आप रीडिंग तो लेते हो, डायफ्राम और इसका बेल का लॉक लगा हुआ रहता है, तो फिर रीडिंग नहीं आती है और आप इमरजेंसी की सिचुएशंस में ये डिसाइड नहीं कर पाते हो पेशेंट का बीपी फॉल हो गया है या अनरिकॉर्डेबल है, तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स,
तो आपको इस प्रकार से ईयरबड्स में लगा लेना है। और यहाँ पे जो ये कोहनी के पास में 2 इंच दूर पे जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वहाँ पे आपको इस स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रखना है, और दोनों ट्यूबिंग्स को आपको जितना हो सके उतना दूर रखना है। और पेशेंट को आपको अच्छे से समझा देना है, जो बीपी की रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पे हाथ को मूव नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में जो ये बल्ब है इसका ये जो नोब है दोस्तों, इस नोब को क्लॉकवाइज आपको इस प्रकार से घुमाना है और एक टाइटली बंद कर लेना है। इसके बाद में जब आप एयर पुश करोगे तो ये पीछे की तरफ में जो ये वाल्व देख रहे हो, इससे ये वन साइड लॉकिंग वन वे वाला वाल्व होता है जिससे एयर अंदर तो जा पाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से बीपी को अप करना है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए दोस्तों, मैंने पुश भी किया है और ये वाला जो बीपी कफ है ये भी टाइटली फिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ पे मर्करी की रीडिंग नहीं आई है। इसके लिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये जो मर्करी टैंक होता है इसके अंदर मर्करी रिजर्व होती है। एक बार अच्छे से बताता हूँ, मेरा खुद का इको मुझे सुनाई दे रहा है क्योंकि मैंने ये स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मर्करी टैंक है इसको मैंने लॉक किया हुआ है जिसकी वजह से मर्करी यहाँ पे पास नहीं हो पाई है। जैसे ही मैं इसको लॉक को ओपन करूँगा आप देखिए ये ऊपर तक आ गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर खास बात ये है कि आप सोच रहे होंगे अगर ये वाला मर्करी वाला बीपी अपैरेटस सबसे एक्यूरेट है तो ये आज के टाइम पे यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब ये है दोस्तों, मर्करी जो है वो एक पॉइजनस मेटल होती है। अगर ये मर्करी इस ग्लास के टूटने के बाद बाहर जाती है और ह्यूमन बॉडी से इंटरेक्ट करती है तो ये पॉइजनस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें आपको हो सकती है। इसलिए इस वाले बीपी अपैरेटस को आजकल नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आपको इसी बीपी अपैरेटस से ही मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये लॉक ऑन कर दिया है और फिर से स्टेथोस्कोप को मैं लगा लेता हूँ। पेशेंट को बोलेंगे एकदम रिलैक्स रहना है। ओके सर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आगे पुश करता हूँ और देखते हैं। मैंने मर्करी को, आपको मर्करी को नॉर्मली 170 से 210 तक रीडिंग में आपको ले जाना है। इससे अबव अगर आप ले जाओगे तो ये जो ब्लड फ्लो रुक गया है, अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो पेशेंट को काफ़ी देर पेन भी रहेगा और कुछ डैमेज भी आपको हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इस वाले नोब को आपको एंटी क्लॉक वाइज स्लोली रिलीज करना है। और आपको इस प्रकार से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक ये आवाज़ सुनाई देगी दोस्तों, ये सुनिए गौर से आवाज़। अब यहाँ पे एक ख़ास बात हो रही है दोस्तों, ये जो मर्करी ब्लिंक कर रही है यहाँ पे देखिए, मर्करी अप डाउन कर रही है। ये वाला एक स्पेशल मेथड होता है जिसको कि हम कहते हैं ऑसिलेटरी मेथड। इस ऑसिलेटरी मेथड को एक एक्सपर्ट ही चेक कर पाता है, जो मर्करी की ब्लिंक को चेक करके अच्छे से देख लेता है कि हाँ इसमें स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, बातों में मनोज जी का मैंने बहुत देर से कफ लगा रखा है और प्रेशर को हम मैंने इन्फ्लेट कर रखा है। आप हाथों की कंडीशन देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं क्योंकि ब्लड फ्लो यहीं पे आके रुक गया था, तो इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रीडिंग ले लेता हूँ। ये हमारा 110 सिस्टोलिक आ गया है और इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और 70 पे ये डायस्टोलिक आ गया है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मैंने नोब को फ्रीली छोड़ दिया है और इनको भी रिलैक्स फील हुआ होगा। अब आपको कैसा लग रहा है आपका हाथ? सर ठीक है पहले से। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम ज़्यादा देर तक अगर कफ को बांध के रखेंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके आपको बीपी कफ को बांधना है और अपनी रीडिंग को तुरंत लेना है। इस मशीन की लाइफ के बारे में बात करें तो ये वैसे तो सालों साल चलती है, लेकिन बहुत सी मिसहैंडलिंग की वजह से ये मशीन ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको जैसे ओपन किया था सेम वैसे ही इसको आपको क्लोज करना है। इसके लिए जो ये लीवर लॉक वाला जो लॉक है इसको आपको सबसे पहले रिमूव करना है, उसके बाद में मर्करी टैंक को आपको क्लोज करना है, ट्यूबिंग्स को चेक कर लेना है कि यहाँ से ये ओपन है या नहीं। इसके बाद में जो ये बल्ब है इसका ये स्पेशल हुक लगा हुआ है दोस्तों,
यहाँ पे भी बहुत सारी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये बंद होने में दिक्कत होती है और जल या तो लॉक ख़राब हो जाता है या फिर ये स्क्रीन टूटने के चांसेस होते हैं जिससे मर्करी स्प्लिस हो जाती है और आगे चल के किसी न किसी को वो पॉइजनिंग कर सकती है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको लॉक कर देना होता है और कफ को अच्छे से रैप करके इस प्रकार से रखना है। इसके बाद में मर्करी टैंक को ऑफ करते हुए ऐसे फिक्स कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया है आपका काम। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो का फेवरेट पार्ट आप डालिए और मुझे कमेंट करके बताइए, और हमसे कोई बात मिस हो गई है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।